ग्रीन फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस बेस कीमती और बहुचर्चित मुखौटे की। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि ये मुखौटा किसका है, इस मुखौटे की कीमत क्या है, ये कैसे हमें मिला और इसे पहनने वाला राजा वास्तविक रूप में कैसा दिखता था और इससे जुड़ी वो तमाम बातें जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सवाल नंबर पहला, आखिर ये मुखौटा है किसका? दोस्तों, ये मुखौटा किसी सामान्य मनुष्य का नहीं है। ये मुखौटा 18वीं सदी के मिस्र के राजा तूतनखामून का है। कई जगहों पर इनका नाम तूतनखामेन भी उच्चारित किया गया है। सवाल नंबर दो, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों, इसकी खोज 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्डवर्ड कार्टर ने की थी। हार्डवर्ड कार्टर लंबे समय से वैली ऑफ किंग्स में खोज कर रहे थे। एक दिन हार्डवर्ड कार्टर को लगा प्लास्टर के नीचे सीढ़ियां हैं और खुदाई होने के बाद वहां लंबी सीढ़ी मिली और जब उस कब्र की खुदाई की गई तो वहां इस राजा की मम्मी मिली। ये मुखौटा राजा की मम्मी पर बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाया हुआ था। इसे इतनी अच्छी तरीके से लगाया गया था कि इसे सामान्य रूप से हाथों से निकाला जाना मुश्किल था। उस समय के शोधकर्ताओं ने मुखौटे के पीछे छिपे राजा की मम्मी को देखने की उत्सुकता में इस मुखौटे को निकालने की कोशिश की, पर इसे निकालना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने चाकुओं और तारों को गर्म कर के ये मुखौटा मम्मी से निकाला। सवाल नंबर तीसरा, इस मुखौटे का वजन कितना है, इसमें कितने किलोग्राम सोने का प्रयोग किया गया है और अन्य धातुओं का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, इस मुखौटे का वजन 10.23 किलोग्राम है और इसमें जो दाढ़ी लगी हुई है उसका वजन 2.5 केजी का है। सोने के अलावा इसमें अन्य कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो इसमें लाजवर्द का इस्तेमाल किया गया है जो नीले रंग का कीमती पत्थर होता है, इंद्र गोप पत्थर जो कि लाल और भूरे रंग का होता है, ऑक्सीडियन जो कि काले रंग का पत्थर होता है। इन सभी कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इसमें जो सोना इस्तेमाल किया गया है वो काफी अच्छे क्वालिटी का सोना है। ये मुखौटा सोने के दो परतों से बना हुआ है और इसकी मोटाई 1.5 mm से लेकर 3 mm तक है। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि इसमें जो सोने का प्रयोग हुआ है वो दो तरीके से हुआ है। चेहरे और गर्दन के लिए जो सोना इस्तेमाल किया गया है वो 18.4 कैरेट का सोना है और बाकी जगहों पर जो सोना इस्तेमाल किया गया है वो 22.5 कैरेट का है। मुखौटे के ऊपर कोबरा और गिद्ध का चित्र बना हुआ है। सवाल नंबर चौथा, इस शानदार मुखौटे को पहनने वाला राजा वास्तविक जिंदगी में कैसा लगता होगा? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि वास्तविक जीवन में ये राजा कैसा दिखता होगा और इस राजा के चेहरे से जुड़े ये तस्वीर जारी की है। सवाल नंबर पाँच, राजा की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों, मिस्र के इस महान राजा की मृत्यु मात्र 19 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इस मम्मी के डीएनए के टेस्ट के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि इनके माता पिता सगे भाई बहन थे और उनकी कब्र भी वैली ऑफ किंग्स में मौजूद है। दोस्तों, ये राजा अपनी मम्मी में जितने शानदार तरीके से सोया हुआ था, वास्तविक जीवन में इनका जीवन इतना शानदार नहीं था। इस मम्मी की हड्डियों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि ये राजा अपने रियल जिंदगी में हड्डी गलने की बीमारी से बुरी तरीके से प्रभावित था। इनका बायां पैर मुड़ा हुआ था जिस कारण इन्हें लाठी या डंडे की सहारे से चलना पड़ता होगा। शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि इनके मृत्यु के कुछ घंटे पहले इनके बाएं पैर की हड्डी टूट गई थी और इनके पैर में भयंकर सूजन था और इनकी मम्मी से इनके मलेरिया होने का भी प्रमाण मिला है। मृत्यु के समय ये राजा भयंकर मलेरिया के चपेट में भी था। बीमारी वाले शरीर होने के कारण ये राजा काफी दुर्बल था और भयंकर और असहनीय दर्द को बर्दाश्त करते हुए 19 वर्ष की अवस्था में इनकी मौत हो गई। वैज्ञानिकों ने इनके इस दुर्बलता और बीमारी का कारण इनके माता पिता का सगे भाई बहन होना बताया। मेडिकल साइंस में ये बहुत पहले से साबित हो चुका है कि सामान्य रक्त संबंधों से उत्पन्न बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और इस राजा की दुर्बलता का कारण भी यही बताया गया है। ये राजा करीब 3300 वर्ष पहले मात्र 8 वर्ष की उम्र में राजा बना था और इसने अपनी सगी सौतेली बहन से शादी किया था जिससे इन्हें दो लड़कियां हुई, पर जन्म लेने से पहले ही दोनों लड़कियां मर चुकी थी। इस मुखौटे से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ ये था
कि सफाई कर्मी मुखौटे को हटाकर सफाई कर रहे थे। इस बीच मुखौटे का दाढ़ी टूटकर नीचे गिर गया और हड़बड़ाहट में वहां मौजूद कर्मी तुरंत चिपकने वाले गोंद से उस दाढ़ी को चिपका दिया, जिससे इस मुखौटे का दाढ़ी सेंटर से हट गया। बाद के वर्ष 2015 में जर्मन और मिस्र की एक टीम ने मिस्र वासियों की इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं से इस दाढ़ी को जोड़ा। प्राकृतिक सामानों और मोम से दाढ़ी को सेंटर पर जोड़ा गया और जिन सफाई कर्मियों की लापरवाही के कारण इनका दाढ़ी टूटा था, उन सभी पर लापरवाही का मुकदमा चलाया गया। ये मुखौटा काफी बेसकीमती है और इसका कीमत नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ इस मुखौटे को देखने के लिए जो प्रति वर्ष पर्यटक आते हैं, उससे वहाँ सालाना अरबों रुपए आते हैं। इसी से आप इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक काफी लंबा है। अगर मैं एक एक बिंदु पर चर्चा करने लगूं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्द ही एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें सारी जानकारी होगी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।